हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूँ एक बार फिर मोटोरोला सॉल्यूशन में। तो गैस, मोटोरोला भी धीरे धीरे अभी सीखने लगा है कि लोगों को क्या चाहिए, सो देने लगा है। मोटो G22 या फिर किसी भी डिवाइस में जिसमें एंड्रॉयड 12 है, उसमें एक स्पेशल फीचर्स है। मतलब फीचर्स तो सिंपल है, पर उसमें जो अंदर का फीचर्स है वो बहुत हाई क्वालिटी का दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है और आपको भी जानकर बहुत अच्छा लगेंगे। सो क्या है वो सेटिंग, वही मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो अगर आप एक मोटोरोला यूजर से, सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटोरोला का ऊपर ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो गाइस, जो स्पेशल फीचर दिया है वो है कि जो मोटो एंड्रॉयड 12 है उसका जो स्क्रीन रिकॉर्डर, मतलब पहले तो स्क्रीन रिकॉर्ड देता नहीं था, और देता भी है तो जस्ट नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्ड जिसमें वॉइस वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन इस मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्ड दिया है उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी के साथ दिया है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग पे वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको वो ऑप्शन नोटिफिकेशन में ही मिलेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन को इस तरह नीचे लाना है और आपको राइट तरफ स्वीप करने से यहाँ पर दिख जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्ड। सो अगर आपको पास यहाँ पर नहीं है तो आपको नोटिफिकेशन को लाना है। ये जो पेंसिल का ऑप्शन है इस ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर नीचे आपको वो जो स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है वो ऊपर में नहीं होगा तो नीचे बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से आपको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके आपको ऊपर में लाना होगा, तब जो है आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर कोई भी ऑप्शन आपका नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। फिर आपको पहला ऑप्शन में रहेंगे या फिर दूसरे ऑप्शन में। सो अभी दिखाता हूँ, ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड है इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग एक ऑप्शन आया है। यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो, सो रिकॉर्ड ऑडियो पे अगर आप ऑन करेंगे सिर्फ डिवाइस ऑडियो साउंड आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो ऑप्शन है अगर आप इसमें क्लिक करेंगे, सो यह इसमें तीन ऑप्शन देता है जबकि बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। डिवाइस ऑडियो साउंड फ्रॉम योर डिवाइस लाइक म्यूजिक कॉल्स एंड रिंगटोन्स। सो अगर आप इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा, आपके आप जब स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे मतलब आपका मोबाइल का जो गाना बजेंगे या फिर रिंगटोन या फिर कोई कॉल का कॉल जो कॉल आने से जो बात होगा वो सब रिकॉर्ड होगा। मतलब मोबाइल का इंटरनल जो माइक होता है उसका रिकॉर्ड साउंड होगा। मतलब जो अंदर से आता है आप जो बाहर से बोलेंगे या फिर बाहर का नॉइस वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। सो वो एक ऑप्शन होता है। उसके बाद अगर आप फिर से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर करेंगे तो जो बीच वाला ऑप्शन है माइक्रोफोन, इस ऑप्शन पर रखेंगे तो जो आप बोलेंगे या फिर आप एक्स्ट्रा माइक लगाएंगे, हेडफोन लगाएंगे, ईयरफोन लगाएंगे, सो उसका साउंड यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, बाकी मोबाइल का जो साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि आप चाहे अगर गेम वगैरह खेलेंगे तो आप सिर्फ बाहर का आवाज़ ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर आप कुछ बोलते रहेंगे तो सिर्फ बाहर का आवाज़ रिकॉर्ड होगा, अंदर का नहीं। और अगर एक ऑप्शन और है डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन, ये जो ऑप्शन है इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल का इंटरनल साउंड एंड आउटर साउंड, मतलब आप जो कहेंगे माइक्रोफोन से वो भी रिकॉर्ड होगा और मोबाइल का अंदर का जो साउंड है वो भी रिकॉर्ड होगा। तो इस ऑप्शन को भी आप रख सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप अगर आप गेम खेलते हैं सो यहाँ पर डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन ये रखेंगे तो आप जो बोलेंगे वो भी साउंड होगा और जो गेमिंग का अंदर का साउंड है वो भी साउंड आपका रिकॉर्ड हो जाएंगे। या फिर आप चाहे तो माइक्रोफोन रख सकते हैं, या फिर कभी अगर आपको सिर्फ इंटरनल साउंड चाहिए तो आपको इसमें सिलेक्ट करके रखना है, इसमें सिलेक्ट करके रखना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है शो टास्क ऑन स्क्रीन, इस ऑप्शन को ऑन करके आप स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करेंगे तो आप जहाँ पर टास्क करेंगे तो आप अगर कहीं पर टास्क करेंगे वहाँ पर एक पॉइंट दिखेगा, मतलब एक ऑप्शन आपको दिखेगा डॉट गोल राउंड जैसे। सो वो जो राउंड है उससे लोगों को पता चलेंगे कि आपने किस एरिया पे टासेस किया है। सो आप देख सकते हैं। सो रिकॉर्डिंग को ऑफ करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको स्टॉप करना है और आप नोटिफिकेशन से ही उसे सुन सकते हैं या फिर आपका गैलरी में सेव होगा। तो गैस स्क्रीन रिकॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, फिर ये जो आपको ऑडियो सिस्टम सिलेक्ट करना है और फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो गैस फिलहाल इस वीडियो में दिखाना ही था कि जो मोटो का एंड्रॉयड 12 का बेस्ट फैसिलिटी है वो मेरे लिए तो यही बेस्ट लगा है। सो आपके लिए कौन सा फैसिलिटी अच्छा है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।